जय श्री राम दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। फ्रेंड्स, हम में से हर व्यक्ति ईश्वर की अलौकिक शक्ति का एक अंश है। आज हम बात करेंगे भगवान श्री राम के द्वारा दिए गए सफलता के कुछ सूत्रों के बारे में, सक्सेस मंत्रा फ्रॉम रामायणा। यदि हम अपने जीवन में नियमों का अनुकरण करते हैं ना, तो जीवन के हर स्तर पर बहुत अधिक सफलता हासिल कर सकते हैं। इसीलिए आज का वीडियो आपके लिए ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहली बात, समय की शक्ति। कहते हैं कि समय बड़ा बलवान है। समय रहते तय कर लो कि समय का आपको क्या करना है, वरना एक दिन समय तय करेगा कि आपका क्या करना है। भगवान श्री राम के बारे में जब बताया गया कि दशरथ ने एक बात कही कि कल राम का राज तिलक होगा और राम राजा बनेंगे, लेकिन उसी पल केकई माता ने दशरथ को कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से उन्हें ऐसा निर्णय लेना पड़ा जिस निर्णय को लेकर वो खुद बहुत चिंतित हो गए। अगले ही पल भगवान श्री राम राजा होने वाले थे, लेकिन उन्हें 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए वन में जाना पड़ा। इसी को कहते हैं समय की शक्ति। हम सोचते कुछ हैं और भविष्य में कुछ होने की संभावना होती है। परिस्थितियां बड़ी विपरीत हो जाती हैं। कभी कभी परिस्थिति अनुकूल होते हुए भी कोई ना कोई एक ऐसा कारण होता है कि अचानक सब कुछ बदल जाता है। इसीलिए समय पर विश्वास रखो और अपने ऊपर भी दृढ़ विश्वास रखो। भगवान श्री राम से हम जो दूसरी बात सीख सकते हैं वो है संतुलित और व्यवस्थित रहने की शक्ति। पहले तो उनका राज तिलक होने वाला था, वो राजा राम कहलाए जाने वाले थे, लेकिन उन्हें वन में जाना पड़ा और वन में जाने के बाद भी जीवन कोई सरल नहीं रहा। रावण धोखे से माता सीता को हर कर ले गया, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान श्री राम ने अपना आपा नहीं खोया, अपने मन को संतुलित रखा, अपने आप को व्यवस्थित रखा और एक ऐसी स्ट्रेटेजी का निर्माण किया कि वो रावण पर विजय पाके माता सीता को वापस ला सकें और धर्म की स्थापना कर सकें। इसीलिए परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, कभी भी परिस्थितियों के सामने घुटने ना टेकें, अपनी आत्मशक्ति को जगाए रखें, अपने मन पर पूरा विश्वास रखें और विश्वास रखें कि आप हर वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जिसको हासिल करने का लक्ष्य आप बनाना चाहते हैं। भगवान श्री राम के पास उस समय कुछ नहीं था, वो वन में अकेले थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ ये निर्णय लिया कि माता सीता को रावण से छुड़ा कर लाना है और धर्म की स्थापना करनी है। ठीक उस तरह से आपके जीवन में भी कई बार परिस्थितियां विपरीत होंगी, लेकिन उस समय पर आपको धैर्य रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने आप को संतुलित रखना है और जब आप अपने आप को संतुलित रखेंगे तो आपको वो चीज़ें प्राप्त होंगी जो आपको उन परिस्थितियों से उभरने में हमेशा मदद करेगी। इसीलिए दृढ़ विश्वास रखें। भगवान श्री राम से जो अगली बात सीखी जा सकती है वो है संगठन की शक्ति। कहते हैं कि सामान्य व्यक्तियों के अंदर शक्ति नहीं होती, लेकिन सामान्य व्यक्ति अगर समूह के रूप में साथ में आ जाएं तो बहुत बड़ी संगठन की शक्ति बन सकती है। भगवान श्री राम ने वानर सेना की मदद ली, हर एक्सपर्ट की मदद ली और एक ऐसी टीम का निर्माण किया जिसने शक्तिशाली रावण को भी पराजित कर दिया। इसीलिए संगठन की शक्ति को पहचानें। आपके पास जितने भी लोग हैं, आपके पास जिस तरह की भी टीम है, आप उस टीम को संगठित करें, मजबूत बनाएं, ताकि आप सब मिलकर एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास कर सकें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिस्थिति कितनी विपरीत है, यदि संगठन मजबूत है, यदि टीम मजबूत है तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है। और मजबूत टीम बनाने के लिए छोटे छोटे पिलर्स को जोड़ा जाता है और छोटे छोटे पिलर बनके एक बहुत बड़ा संगठन तैयार होता है। दुनिया की सारी सफलतम कंपनियों ने, बड़ी बड़ी कंपनियों ने बेस लेवल से लेकर मैनेजमेंट लेवल तक के लोगों का एक संगठन तैयार किया। आप भी अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में एक ऐसा संगठन तैयार करें कि आप इतने शक्तिशाली बन जाएं कि कोई भी कॉम्पिटिटर, कोई भी प्रतिद्वंदी आपको हरा ना सके, क्योंकि संगठन में वो शक्ति होती है जो एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काफ़ी होती है। भगवान श्री राम से जो अगली बात सीखी जा सकती है वह आस्था और दृढ़ विश्वास की शक्ति। दोस्तों, आस्था और दृढ़ विश्वास में वो शक्ति होती है जिससे हम बड़ी से बड़ी गंभीर परिस्थिति में भी अपने आप को मजबूत बनाए रख सकते हैं और उसको हल करने का समाधान ढूंढ सकते हैं। भगवान श्री राम को जब रावण से युद्ध करने के लिए बहुत बड़ा समुद्र पार करके लंका पहुंचना था, तो उन्होंने ईश्वर पर विश्वास रखा और ईश्वर की आराधना की और भगवान शिव ने उन्हें बताया कि आप ही के संगठन में नल और नील ऐसे दो वानर हैं जिनके अंदर शक्ति है कि जिस पत्थर पे वो नाम लिखेंगे आपका, वो पत्थर तैरने लगेगा
और उसके आधार पर आप राम सेतु का निर्माण करें। और ऐसा ही हुआ। आस्था और विश्वास के साथ भगवान श्री राम ने अपनी टीम को समझाया और वहां से एक पूरा पुल लंका तक बनाया और लंका पर विजय हासिल की। इसीलिए जब आप विपरीत परिस्थितियों में हो ना, तो कभी घबराओ मत। आस्था और विश्वास की शक्ति को उजागर करो। अपने अंदर ढूंढो कि कौन सी वो चीज़ है जो समस्या को हल कर सकती है, कौन से वो लोग हैं जो समस्या का समाधान दे सकते हैं, और ये सोच के चलो कि मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है, वो हर समय हर पल हर परिस्थिति में मेरी मदद करने के लिए तैयार है। तो देखिए, जीत आपकी निश्चित होगी। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हर व्यक्ति के पास असीमित शक्ति होती है। जरूरत है तो अपनी छुपी हुई शक्तियों को पहचानने की और उनको जगाने की। रामायण में जावंत ने भी यही कार्य किया। जावंत ने, जब हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए थे, तो जावंत ने उनकी शक्तियों का ज्ञापन कराया, उनकी शक्तियों को याद दिलाया। और जब हनुमान जी को अपनी शक्तियों का ज्ञापन हुआ, उनको अपनी सारी शक्तियों के बारे में पता चला और वो याद किया, तो हनुमान जी ने राक्षसों और असुरों का नाश किया और समुद्र लांघकर लंका पहुंच गए। और वहां पर जो उन्होंने किया उसके बारे में तो आपको पता ही है। अशोक वाटिका को उजाड़ दिया और पूरे लंका को केवल अपनी पूंछ की आग से ध्वस्त कर दिया। इसलिए हमें भी जरूरत है अपनी असीमित शक्तियों को जानने की। अब ये कैसे जान सकते हैं? इन्हें जानने के लिए आप रोजाना किताबें पढ़ें, क्योंकि किताबों के अंदर वो रहस्य छुपा है जो आपकी शक्तियों को उजागर कर सकता है। मोटिवेशनल वीडियोस सुनें, बिजनेस वीडियोस सुनें, बिजनेस लर्निंग सेमिनार्स में जाएं, मेंटोर को फॉलो करें, अपने गुरु को हमेशा एक बहुत अच्छा दर्जा दें, गुरु के प्रति आस्था रखें, विश्वास रखें, क्योंकि गुरु ही आपके जीवन में आपकी अपार शक्तियों को जगाने का कार्य करता है। जब आप गुरु को फॉलो करेंगे तो आसानी से गुरु आपको भी इस काबिल बनाएगा कि आप भी अपनी शक्तियों को उजागर कर सकें और अपनी छुपी हुई शक्तियों को पहचान कर अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और अपार सफलता हासिल करें। जिस तरह भगवान श्री राम ने समय की शक्ति को समझा, विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी, संगठन की शक्ति से लोगों को इकट्ठा किया, वानरों को इकट्ठा किया और एक टीम बनाई और दृढ़ विश्वास के साथ हनुमान जी की शक्ति के साथ लंका पर कूच किया और विजय प्राप्त की। दोस्तों, भगवान श्री राम के जीवन से हम ये बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। वो कहते हैं ना कि जीवन में सीखने का समय हर व्यक्ति के पास होता है, लेकिन ज़रूरत है उस समय का सही उपयोग करने की, चीज़ों को सीखने की, समझने की, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की। और दोस्तों, इतना ही नहीं, ये तो कुछ बातें हैं जो रामायण से मैंने आपको बताई हैं, भगवान श्री राम के जीवन से आपको बताई हैं। यदि आप रामायण का अध्ययन करेंगे ना, तो आप पाएंगे हजारों लाखों ऐसी बातें हैं जो आपके जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आपको मदद करेंगी। इसीलिए ज़रूरत है अपनी लर्निंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने की। फ्रेंड्स, यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन प्रेस नहीं करते तो नोटिफिकेशन नहीं आता है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय श्री राम।